हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अभी जो वोल्टेज मल्टीप्लायर है, इसका यूज क्या है ये देख लेते हैं। पहले सपोज करते हैं हमारे पास ऐसा कुछ एसी वेव फॉर्म है जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल वीएम के बराबर है। अब ये वेव फॉर्म, एसी वाला वेव फॉर्म, अगर हमने वोल्टेज मल्टीप्लायर को दिया तो वोल्टेज मल्टीप्लायर दो चीज करेगा। पहली चीज क्या करेगा, ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल है ये इनपुट वेव का, जो कि एसी फॉर्म है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल को ये बढ़ा देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे कि यहां पे आउटपुट पे ये वोल्टेज मल्टीप्लायर के हमें मिलेगा 2 VM, 3 VM, 4 VM एंड सो ऑन। तो पहला काम वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या करेगा, इसका जो मैक्सिमम जो पोटेंशियल है उसको डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, चार गुना ज्यादा कर देगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देगा, बढ़ा देगा। और दूसरा काम ये क्या करेगा, जो एसी सिग्नल है उसे ये डीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर का मतलब समझ में आ गया। वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या करेगा, सबसे पहले तो मैक्सिमम जो इसका पोटेंशियल है उसको डबल ट्रिपल कर देगा, और दूसरा क्या काम करेगा, ये एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक वेव फॉर्म है, एसी का वेव फॉर्म है, जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल वीएम है, और वोल्टेज मल्टीप्लायर ने उसका डबल कर दिया, 2 VM कर दिया, तो ऐसे वोल्टेज मल्टीप्लायर को हम बोलेंगे वोल्टेज डबलर। वोल्टेज डबलर के दो टाइप्स आते हैं, पहला है हाफ वेव वोल्टेज डबलर और दूसरा फुल वेव वोल्टेज डबलर। ये दोनों चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वापस से हमारे पास एक एसी सिग्नल है जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल वीएम है, अगर ये वोल्टेज मल्टीप्लायर ने 3 गुना बढ़ा दिया तो उसे हम बोल देंगे वोल्टेज ट्रिपलर, और अगर 4 गुना बढ़ा देता है तो ऐसे वोल्टेज मल्टीप्लायर को हम बोल देंगे वोल्टेज क्वाडलर, जो कि सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो सारी बातें समझ में आ गई, बेसिक आइडिया। अब हम देखेंगे फर्स्ट वन, हाफ वेव वोल्टेज डबलर, कि कैसे ये वीएम को 2 VM कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे वोल्टेज डबलर का, ठीक है, जिसमें एक एसी इनपुट होगा, यानी हम ऐसा इनपुट देने वाले हैं, जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल वीएम है, और हमें डबलर यानी 2 VM चाहिए आउटपुट पे, वो भी एडीसी फॉर्म में, ठीक है। दो कैपेसिटर ले लिए C1 C2, दो डायोड लगा दिए D1 D2, यहां पे हम आउटपुट ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट पे ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल दी, यानी कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यानी D1 की अगर बात करें तो यहां से ये नेगेटिव और यहां से ये पॉजिटिव, यानी P के साथ प्लस, N के साथ माइनस, यानी करेक्ट कनेक्शन, यानी फॉरवर्ड बायस, यानी डायोड करंट को पास करेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे डायोड करंट पास कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव से निकल के कैपेसिटर में जाके करंट ये पॉइंट पे यहां नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा यहां पे, क्योंकि जब D1 फॉरवर्ड बायस होगा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, उसी टाइम ये जो डायोड है यहां पे प्लस लगेगा, यहां पे माइनस लगेगा, ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, रॉन्ग कनेक्शन आ जाएंगे। ये रिवर्स बायस होने के कारण ये सर्किट ब्रेक हो जाएगी, यानी कि यहां से सर्किट टूटी हुई है, करंट आगे नहीं जाएगा, करंट ये डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है। जब करंट फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो करेगा तब क्या होगा, आउटपुट पे तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन ये जो C1 कैपेसिटर है वो VM तक चार्ज हो जाएगा। क्यों VM तक चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल इनपुट का कितना है, VM के बराबर, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी ये कैपेसिटर VM तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब चार्ज होने के बाद, मैक्सिमम वीएम होने के बाद, यहां पे ये पोटेंशियल घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि लोड है इसलिए, लेकिन अभी वीएम चार्ज तो हो गया इसका, लेकिन अभी भी हमने लोड से तो कनेक्ट किया नहीं है इसको, क्योंकि यहां से तो सर्किट ये हमारा करंट जा नहीं रहा, इसलिए लोड से भी कनेक्ट नहीं किया, इसलिए इसका पोटेंशियल वीएम जितना मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो प्लस हाफ साइकिल की आपको समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, हम नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल देने पर पोलारिटी चेंज, सो ये माइनस, ये प्लस, ठीक। अच्छा, अब यहां पे डायोड चेक करते हैं, तो यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे क्या आ जाएगा, ये माइनस आ गया और ये प्लस आ गया।
अच्छा, ये एन टाइप पॉजिटिव के साथ पी टाइप नेगेटिव के साथ, यानी ये क्या हो गया, रॉन्ग कनेक्शन, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस यानी सर्किट ओपन हो गई, यहां से सर्किट टूट चुकी है, बंद हो चुकी है, करंट पास नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी बात करें तो एन टाइप के साथ नेगेटिव, पी टाइप के साथ पॉजिटिव, यानी कि करेक्ट कनेक्शन है, फॉरवर्ड बायस है, यानी करंट को फ्लो कराएगा, यहां कुछ करंट का फ्लो होने वाला नहीं, रिवर्स बायस में है इसलिए। ठीक है, अब पॉजिटिव में से करंट निकला, ये पॉइंट पे आया, यहां जा पाएगा नहीं, रिवर्स बायस है, ओपन सर्किट है, तो करंट फिर यहां जाएगा, ये कैपेसिटर सी टू में जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस है, तो ऐसे करके करंट कुछ घूमेगा। ठीक है, अब जब करंट ऐसे जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, तब क्या होगा, ये C2 जो हमारा कैपेसिटर है वो Vm तक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पे जो कैपेसिटर है वो Vm तक चार्ज हो गया है, और ये Vm पैरेलल में है इसके, तो ये Vm क्या करेगा, इसको दे देगा, यानी आउटपुट पे हमें Vm मिल जाएगा, और साथ साथ में जब सेकंड हाफ साइकिल देंगे तब यहां से तो कुछ करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये जो C1 कैपेसिटर है उसने Vm चार्ज स्टोर किया था फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में, तो ये हमारी नेगेटिव साइकिल में ये Vm जो इसने स्टोर किया है वो क्या करेगा, अब कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज हो जाएगा, यहां से डिस्चार्ज होगा, यहां कुछ नहीं जाएगा क्योंकि रिवर्स बायस है, और ये डिस्चार्ज होकर आउटपुट पे दूसरा भी एक Vm दे देगा, यानी आउटपुट पे Vm प्लस Vm यानी 2Vm जितना पोटेंशियल मिल जाएगा, यानी हमने जो Vm दिया था उसका 2Vm मिल चुका है हमें, इसलिए इसे हम वोल्टेज डबलर बोलते हैं, हाफ वेव वोल्टेज डबलर। तो ये हो गया हाफ वेव वोल्टेज डबलर के बारे में। अब हम देख लेते हैं फुल वेव वोल्टेज डबलर के बारे में। इसमें भी हम यही देखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ वेव फॉर्म है जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल Vm के बराबर है, तो कैसे ये फुल वेव वोल्टेज डबलर इसका पोटेंशियल 2Vm कर देता है और डीसी फॉर्म देता है। तो ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम यहां पे बना के रखा है जिसमें दो कैपेसिटर लगा के रखे हैं C1 और C2, और ये दो डायोड है D1 और D2। यहां पे हम इनपुट सिग्नल देने वाले हैं ऐसा कुछ Vm पोटेंशियल का, और यहां पे हम आउटपुट लेने वाले हैं जो कि 2Vm होगा AC फॉर्म में। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देख लेंगे। तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल इसे लेंगे तब क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव तो यहां पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये पी टाइप प्लस के साथ एन टाइप माइनस के साथ, यानी ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, करंट को पास होने देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये डायोड की बात करें तो ये डायोड में ये माइनस, तो ये माइनस यहां पे लगेगा, और उसके रिस्पेक्ट में ये प्लस यहां से यहां लग जाएगा। तो ये कैसा हो गया, एन टाइप के साथ प्लस, पी टाइप के साथ माइनस, रॉन्ग कनेक्शन, यानी ये हो गया रिवर्स बायस, सर्किट ब्रेक हो गई, ये करंट को फ्लो कराने देगा नहीं। ठीक है, अब ये तो करंट को फ्लो कराएगा, तो करंट कैसे फ्लो होगा, सपोज पॉजिटिव से निकला, ठीक है, ये पॉइंट पे करंट क्या यहां आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्यों, यहां पे रिवर्स बायस है, सर्किट ब्रेक है, करंट को अलाउ नहीं करेगा, तो ये करंट कहां जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, ये C1 कैपेसिटर में जाएगा, अब ये पॉइंट पे से क्या करंट नीचे आएगा, नहीं आएगा, ये ब्रेक है सर्किट, तो यहां से लौट के वापस यहां चला जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल में। ठीक है, पॉजिटिव वाली, जब करंट फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड में से पास होगा तब ये जो C1 कैपेसिटर है वो चार्ज होगा, कहां तक चार्ज होगा, Vm तक चार्ज होगा, क्योंकि इनपुट का मैक्सिमम पोटेंशियल Vm के बराबर है। अब ये पॉइंट के बाद पोटेंशियल कम हो रहा है, लेकिन यहां पे तो पोटेंशियल कम होगा नहीं, क्योंकि अभी तक हमने आउटपुट से लोड से कनेक्ट किया नहीं है, तो Vm पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। ठीक है, प्लस हाफ साइकिल की बात समझ में आ गई, अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल देने पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब डायोड की कंडीशन चेक कर लेते हैं, तो ये माइनस तो यहां पे माइनस, ये प्लस इधर लग जाएगा, यानी पी के साथ माइनस, एन के साथ प्लस, रॉन्ग कनेक्शन, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस यानी ये डी वन डायोड करंट को फ्लो नहीं होने देगा, यहां से सर्किट ओपन, ब्रेक हो चुकी है सर्किट। ठीक, अब इसकी बात करें तो यहां पे ये प्लस है, तो ये प्लस यहां पे आएगा और ये माइनस यहां पे जाएगा, यानी ये कौन सा हो गया, एन टाइप के साथ नेगेटिव, पी टाइप के साथ पॉजिटिव, यानी फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस यानी करंट को अलाउ करेगा, फ्लो करने देगा। अब यहां पे कैसे करंट फ्लो होगा देख लेते हैं, तो ये पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव से करंट निकला, ये पॉजिटिव से करंट निकला, ये पॉइंट पे आया, अब ये पॉइंट पे दो रास्ते, ऊपर जा पाएगा नहीं क्योंकि सर्किट ब्रेक है, रिवर्स बायस है, तो करंट यहां पे आएगा, C2 में से पास होगा, यानी C2 को भी ये चार्ज करेगा Vm जितना। ठीक है,
बाद में ये यहां पे जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस है, ये ऊपर जाएगा, यहां जाएगा, ये पॉइंट पे दो रास्ते, ये पॉइंट पे यहां जाएगा, नहीं रिवर्स बायस है, ब्लॉक है, तो ये पॉइंट पे लौट के वापस आ जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वीएम चार्ज हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये C1 कैपेसिटर चार्ज हुआ, यानी कि आउटपुट पे क्या मिला, Vm प्लस Vm यानी 2Vm, यानी वोल्टेज जो है वो डबल हो चुका है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फुल वेव वोल्टेज डबलर। तो एग्जाम में आपको इतना लिखना है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।